वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप लोग को ऐसे तीन मेंटेनेंस टिप बताऊंगा बाइक के लिए, जिससे कि आप लोग अपनी बाइक की परफॉर्मेंस जो है एकदम न्यू की तरह रख सकते हो। जैसे कि नई बाइक आती है वैसी परफॉर्मेंस जो है आप लोग कर सकते हो, चाहे आप लोग की बाइक 10 साल पुरानी हो या 12 साल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग को मैं ऐसे तीन टिप्स देने वाला हूँ जिससे कि आप लोग की बाइक एकदम नए तरीके हो जाएगी। और हाँ, ये टिप्स आप लोग अगर फॉलो करोगे तो आप लोग को परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छी मिल जाएगी, एकदम स्मूथ मिलने वाली बाइक से। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ यार, हम लोग के 690 सब्सक्राइबर जो है हो चुके हैं, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी 700 कराओ, उसके बाद 1 के बीच यार जल्दी जल्दी कराओ, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड हो सके। सो गाइस, बेसिकली जो मेंटेनेंस होती है बाइक के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बाइक जो है ले तो लेते हैं, लेकिन वो जो है क्या करते क्या है, वो लोग जो है सर्विसिंग में ही ले जाते हैं, जब तभी उनको लगता है मेंटेनेंस हो गई, इससे ज़्यादा मेंटेनेंस की नीड नहीं है। लेकिन ये बहुत ही गलत चीज़ है। मतलब आप लोग को खुद से भी कुछ मेंटेनेंस करनी होती है, अपने मन में ध्यान में रखनी होती है कि आप लोग को ये मेंटेनेंस करनी ही करनी है। ये नहीं करोगे तो आप लोग की बाइक जो है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देगी, चाहे आप लोग जितनी सर्विसिंग करा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो सबसे पहले मेंटेनेंस टिप जो मैं आप लोग को देना चाहूँगा वो है एयर फिल्टर। तो जो एयर फिल्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा मेन जो है पार्ट है हमारी बाइक का। मेन जो है उससे ही जो है एयर पास होती है, एयर इनटेक होती है इंजन तक। तो वो जो है अगर आप लोग का क्लीन नहीं होगा या फिर ख़राब हो चुका होगा तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो आप लोग को करना क्या है, रेगुलर चेकअप करना है एयर फिल्टर का। 15 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में आप लोग को हमेशा चेक करते रहना है। ये नहीं कि आप लोग सर्विसिंग के भरोसे बैठे हो कि जब सर्विसिंग पर जाएगी बाइक तब हमारा एयर फिल्टर जो है चेक हो जाएगा या क्लीन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग को नहीं बताया कि एयर फिल्टर कैसे क्लीन करते हैं, बता देना मुझे मैं कमेंट में, तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप लोग अपना एयर फिल्टर बहुत ही अच्छे से क्लीन कर पाओगे घर पे ही, बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना कोई चीज़ के। तो एयर फिल्टर जो है करता क्या है, हमारी बाइक को स्मूथली चलाने में बहुत ज़्यादा उसका रोल होता है, क्योंकि एयर फिल्टर जो है एयर पास करता है। वो अगर ब्लॉक होगा थोड़ा सा भी या फिर उसमें थोड़ी सी भी डर्ट होगी तो हमारी जो एयर अच्छे से पास नहीं होगी और बाइक पे झटके से लगेंगे और आप लोग की बाइक जो है स्मूथ नहीं चलेगी। तो पहली टिप जो थी वो थी एयर फिल्टर। सो गाइस, अब जो दूसरी चिप आती है वो आती है हमारे पास जॉइंट्स। अब जो होते हैं क्या है, बाइक के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा चेन हो गई, और चेन जैसे हमारी चेन हो गई और हम लोग का टायर हो गया, जहाँ से टायर रोटेट करता है उसकी टाइटनेस कितनी है, ज़्यादा टाइट तो नहीं है टायर, या फिर ब्रेक जो है टच तो नहीं हो रहा है टायर में, जिससे कि हमारे टायर को जो है आगे घूमने में फ्री नहीं है। तो आप लोग को करना क्या है, चेन के रेगुलर चेकअप करना है आप लोग को 15 से 20 दिन में। आप लोगों को इसको ल्यूब करना है या फिर ऑयल जो भी करते हो आप लोग को करना ही करना है। और आप लोग को करना क्या है, हमेशा जो है आप लोग को 1 से 2 महीने में, जब भी आप लोग की बाइक जो है 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर चल जाए, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, बल्कि आप लोग को 500 किलोमीटर में भी अपनी चेन को अच्छे से क्लीन करके घर पर ही आप लोग को अच्छे से उसको ल्यूब करना है। तो उसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो आप लोग को चेन जो है टाइम टू टाइम ल्यूब करना है, जिससे कि क्या होगा, आप लोग की बाइक जो है एकदम फ्रीली चलेगी, कोई आवाज़ नहीं आएगी, कोई झटके नहीं लगेंगे, और ल्यूब रहेगी तो टायर भी एकदम फ्री घूमेगा। तो दूसरी टिप ये थी कि आप लोगों को जो है मूविंग पार्ट्स जो है ऑयल करने हैं और उसको अच्छे से चेकअप करते रहना है, रेगुलर चेकअप। और गाइज, लास्ट बट नॉट लीस्ट चीज़ जो है हमारे पास, वो चीज़ आती है हमारे जो है ब्रेक्स वगैरह, और ये जो क्लच है, क्लच और एक्सीलेटर वगैरह, ये तो मेन चीज़ें होती हैं एक तरह से, क्योंकि इसमें क्या है, इसी में हम लोगों का कंट्रोल रहता है। अगर ये चीज़ें सही नहीं होंगी तो आप लोगों की बाइक बिल्कुल स्मूथ नहीं रहेगी। सबसे पहले आते हैं क्लच पे। क्लच का करना है कि आप लोगों को क्लच की टाइटनेस देखनी है और देखना है क्लच आपका कितना फ्री है। क्लच आप लोग का 1 mm से 2 mm तक फ्री होना चाहिए, जैसे कि मेरा है इतना ही फ्री होना चाहिए, मतलब इतनी बिल्कुल ताकत नहीं लगनी चाहिए दबाने में। और आप लोगों का एक्सीलेटर जो है ये भी 1 mm से 2 mm तक फ्री होना चाहिए, मतलब इतना फ्री होना चाहिए। तो आप लोग की बाइक जो है बहुत ही ईजिली अच्छे से चलेगी, और आप लोगों को इसका वायर जो है टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहना है कि अच्छे से टाइट है या नहीं, ज़्यादा टाइट भी ना हो। इससे क्या होगा, आप लोगों के बाइक का जो क्लच वायर है और एक्सीलेटर वायर ज़्यादा टाइट, अच्छे से टाइट होगा, मतलब कि नॉर्मली टाइट होगा, तो आप लोगों की बाइक जो है स्मूथली चलेगी। आप लोग कमांड जैसे करोगे, जैसे कि एक्सीलेटर खींचोगे, जैसे क्लच छोड़ोगे, तो कॉम्बिनेशन सही बनेगा और आप लोग की बाइक ईजिली आगे बढ़ेगी। सो आई होप आप लोगों को ये तीन टिप्स अच्छे समझ में आएंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना था, बाकी आप लोगों को कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट जरूर कर देना, उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।